हेलो जी, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारे पास बहुत ही यूनिक गिटार है। इस चैनल पे कभी ऐसा गिटार रिव्यू नहीं हुआ अभी तक, है ना? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आज है जी हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही यूनिक गिटार। मॉडल नेम है जी एनया नोवा गो, ठीक है। कार्बन फाइबर ट्रेवल साइज अकोस्टिक गिटार है। इसमें कोई भी लकड़ी का पार्ट नहीं लगा, ये पूरा गिटार कार्बन फाइबर से बना है। जानते हैं इस गिटार के बारे में कितना सक्षम है, कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए या नहीं रहेगा। साउंड क्वालिटी के बारे में, फीचर्स के बारे में, बहुत कुछ फीचर लोडेड गिटार है ये। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो अगर बात करें एनया की, तो इनके पास बहुत बड़ी रेंज है गिटार्स की, चाहे वो HPL गिटार है, कार्बन फाइबर अकूस्टिक, है ना। और इन्होंने इंडियन मार्केट की ओर अब ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजिस में काफ़ी अच्छे अच्छे गिटार हमने लास्ट टाइम हमारी रिव्यू किया था, है ना, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। फिलहाल बात करेंगे हम इसके बारे में। सो ये है जी 35 इंचेस का कार्बन फाइबर गिटार, ट्रेवल साइज अकूस्टिक गिटार है ये। एंड ये पूरा गिटार कार्बन फाइबर का बना हुआ है और ये पूरा गिटार तैयार होता है एक मोल्ड में। इसमें सारी चीज़ें आपस में ब्लेंडेड है, मतलब कि इसका नेक और बॉडी आपस में ग्लूड नहीं है, ब्लेंडेड है। पूरा गिटार एक मोल्ड में तैयार होता है, तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ फिनिश है। सो साइज की बात करें तो ये 35 इंच का गिटार है, जैसे कि मैंने बताया, और 20 फ्रेट्स है इसमें। स्मूथ फिनिशिंग है, इसके जो एजेस हैं वो तीखे नहीं है, एकदम राउंडेड एजेस हैं, तो वो काफ़ी प्रीमियम फिनिश देते हैं आपको। एंड सेटिन फिनिश का गिटार है, मैट भी नहीं है, ग्लॉसी भी नहीं है, सेटिन फिनिश है, ठीक है। साउंड होल आप देख सकते हैं यहाँ पे एनया का ब्रांड लोगो है, जैसे कि ये भी साउंड होल है और साइड में भी साउंड होल दिया हुआ है, और देखेंगे कितना मैटर करता है ये साउंड प्रोड्यूस करने में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी स्टाइलिश, यूनिक गिटार है, स्मार्ट गिटार बोलता है एनया इसको। हम जानेंगे कि एक्चुअल में स्मार्ट गिटार है भी या नहीं। सो इस गिटार में ब्रिज पिन, सैडल, मेटल फ्रेट्स और ये ट्यूनिंग कीज ही बस एक्सटर्नल है, बाकी पूरा गिटार सिंगल मोल्ड में तैयार हुआ है, कोई भी चीज़ आपस में ग्लूड नहीं है। और ये स्ट्रैप बटन भी एक्सटर्नल लगी हुई है बस, मतलब इतने ही पार्ट बस आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेंगे जो अलग से लगे हैं, बाकी पूरा गिटार आपस में ब्लेंड है, ठीक है। इस गिटार के बैक साइड में हम देख सकते हैं किस तरह से इसका नेक और बॉडी आपस में ब्लेंड है, तो जिससे काफ़ी स्मूथ फिनिश दिखता है। और जो इसका एज है, जो कर्व है, उसमें एक और स्कूप दिया हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, जो लोग लीड्स बजाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। तो इस चीज़ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है, जैसा कि मुझे फील हो रहा है। इस गिटार का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये वेदर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि वेदर का कोई इस पर असर नहीं होने वाला, चाहे आप सर्दी में हो या फिर गर्मी में हो, है ना। चाहे आप इस अपने गिटार को कार में रखते हो या फिर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब कि इस पर पानी का कोई असर नहीं होने वाला और वेदर का कोई भी असर नहीं होने वाला इस गिटार पर, क्योंकि पूरा गिटार कार्बन फाइबर का है ना। आप नोटिस करेंगे इसके फ्रेट्स में कोई भी बीच में डॉट नहीं दी गई, बट साइड में ज़रूर दी गई हैं। तो ये नया ट्रेंड चल रहा है आजकल, हमने लास्ट टाइम जो ब्लैक गिटार रिव्यू किया था तो उसमें भी आपने देखा होगा बीच में डॉट्स नहीं थी, साइड्स में डॉट थी। तो ये क्लीन फ्रेटबोर्ड कह सकते हैं हम, देखने में अच्छा लगता है काफ़ी, है ना। ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हो रहा है ये मॉडल खास तौर पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जो मेरा जेन्युइन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। ये गिटार आता है बेसिकली दो मॉडल्स में, एक है प्लेन जो कि नॉर्मल है देखिए आप, और एक में ये ट्रांसअकूस्टिक दिया हुआ है। ये गिटार मैंने मंगवाए हैं प्रोक्राफ्ट इंडिया से आपके लिए रिव्यू करने के लिए। एंड हम जानते हैं इसके बारे में, ये ट्रांसअकूस्टिक वर्जन है, इसमें इनबिल्ट स्पीकर लगा हुआ है, इनबिल्ट इफेक्ट्स है, और ये गिटार ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, मतलब जो प्रीसेट्स हैं, डिले, रिवर्ब, उसको आप अपनी ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, ट्यून भी कर सकते हो, बेसिकली एनया की खुद की ऐप है। सो इस गिटार को आप देख सकते हैं शेप के हिसाब से, ये हमारे इलेक्ट्रिक गिटार में जो होती है ना लेस पॉल शेप, उस जैसी शेप है, तो काफ़ी प्रीटी इंप्रेसिव है वीडियोस वगैरह के लिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जो कार्बन फाइबर गिटार होते हैं ना उसमें ट्रस रॉड की नीड नहीं होती, रीज़न क्योंकि वेदर रेजिस्टेंट होते हैं तो नेक बैंड नहीं होता, बट एनया ने इसमें भी ट्रस रॉड दी हुई है, हर गिटार में ट्रस रॉड देता है। रीज़न क्या है, जो स्टॉक में स्ट्रिंग्स आती हैं इस गिटार के साथ वो आती हैं EXP-16 बाइडेड एरियो, तो ये ट्रस रॉड के साथ मसला क्या है कि जब आपने किसी को 10 गेज की स्ट्रिंग्स पसंद है, किसी को 9 गेज की पसंद है, तो आप अपने हिसाब से एक्शन एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, वीडियो में जो भी है, तो आप गेज के हिसाब से, मतलब जो आपको एक्शन अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप बेसिकली अपने हिसाब से अपना एक्शन एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बैक साइड में थोड़ा सा बम्प दिया हुआ है, जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होने में थोड़ी सी हेल्प होगी, क्योंकि इस गिटार की विड्थ अकूस्टिक गिटार जितनी नहीं है। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक अकूस्टिक गिटार, इसकी विड्थ देखिए और इसकी विड्थ देखिए, तो ये बेसिकली ट्रेवल साइज है, इसलिए एक यूनिक चीज़ है। तो जानते हैं साउंड कितना आता है ना, इसको मैं रख देता हूँ, चलिए देखते हैं जी इसका साउंड कैसा आता है, कितना डिफरेंस फील होगा हमें अकूस्टिक में, क्योंकि देखिए वो लकड़ी का गिटार है,
अकूस्टिक गिटार है। सो बिना प्ले किए मैं इतना तो बता सकता हूँ कि वैसा साउंड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी की रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज अलग होती है। एक चीज रह गई कि ये ट्यूनिंग कीज जो हम देख रहे हैं, ये एन्या की ब्लैक जो डाइकास्ट ट्यूनर्स आते हैं स्टॉक में, हमारी सीरीज में भी यही थे, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है ना। सो एन्या नोवा गो SP1 के साथ आपको ढेर सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास ये केबल, एंड दिस इज कॉल्ड प्रीमियम केबल। सच्ची में मैं इसको साइड रखता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये प्रीमियम केबल है। मैंने काफ़ी सारी केबल्स देखी हैं, मैं करंटली स्टूडियो में भी बहुत सारी यूज़ करता हूँ, एंड केबल्स के साथ भी एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये प्रीमियम केबल है एक, जो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं। एक्चुअली में जो एन्या एसेसरीज देता है ना, जो इनकी थीम रहती है, देखिए सारे वाइट बॉक्सेस हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है पर्सनली, है ना। तो ये देखिए जी, ये स्टैप का बॉक्स है, कितना प्यारा है, मतलब कितना काम करते हैं अपनी उस चीज़ पे, एक मेंटेनेंस पे, ब्रांड वैल्यू पे। तो ये स्ट्रैप एक रेगुलर स्ट्रैप एन्या की जो आती है, और ये माइक्रो फाइबर क्लोथ है एक, आप देख सकते हो, है ना। एक मैनुअल है जिसको कोई नहीं पढ़ता, एंड ये स्ट्रिंग्स का सेट है, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का सेट है, मे बी ये वही मॉडल होगा रीडेरियो का, EXP16। एक मिलेगी आपको सी टाइप केबल, जो कि आपके ट्रांस अकोस्टिक में जो स्पीकर लगा हुआ है हमारे गिटार में, उसको चार्ज करेगी। ठीक है, एक चीज़ और, जो हमारा प्लेन अकोस्टिक वर्जन है, इसके साथ भी आपको यही सभी एक्सेसरीज मिलेगी। ठीक है, बस आपको केबल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्लेन अकोस्टिक वर्जन है, तो इसमें केबल नहीं होगी, ऑब्वियस ही बात है। सो देखिए जी, इस क्यूट से गिटार को हमने कर लिया ट्यून, एंड साउंड टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक स्ट्रम सुनते हैं कैसा आता है। ठीक है, हमारा ये प्यारा सा 440 तैयार है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, एंड लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रम मेजर पे, आपके सामने ही है साउंड। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये साउंड होल एक्चुअल में मैटर कर रहा है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो हमारा ये साउंड होल है, देखिए कितना फास्ट आ रहा है ना, तो रीजन है इसका लगाने का, मतलब एक्चुअल में वर्क करता है ये। सो इस वीडियो का जो मेन पार्ट है मेरे ख्याल से, इस ट्रांस अकूस्टिक वर्जन का, हम बात करते हैं इस नॉब की, ये क्या मैजिकल चीज है। तो ये एक वॉल्यूम नॉब है, अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करें तो देखते हैं क्या होता है, ये ग्रीन लाइट जली है। ठीक है, अब देखते हैं साउंड में क्या हुआ है। वॉल्यूम आप इसको क्लॉकवाइज करोगे तो फुल होगा, एंटी क्लॉकवाइज कम होगा, जो भी चीज़ लगी हुई है उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते हैं साउंड में क्या फ़र्क है। तो आप देखिए साउंड में क्या फ़र्क आता है, पिक ले लेता हूँ, एंड लेट्स सी। आप देख रहे हैं जो साउंड वेव्स हैं थोड़ी सी बढ़ गई हैं, सस्टेन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, स्पीकर से साउंड आ रही है अंदर से, बेसिकली ये अकूस्टिक प्रीसेट है काइंड ऑफ। ठीक है, और ये स्मार्ट गिटार है क्योंकि ये कनेक्ट होता है एन्या की ऐप से, एंड यहाँ पे देखिए चार ऑफिशियल टोन्स, चार प्रीसेट्स हैं, फ्यूजन, डिले, रिवर्ब एंड अकूस्टिक। ठीक है, तो जो कस्टम पे जाके आप खुद के प्रीसेट्स बना सकते हो, आपको कितना रिवर्ब चाहिए आप वो एडजस्ट कर सकते हो, कितना डिले चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ आप कर सकते हो अपने ऐप के थ्रू। तो देखिए कहाँ गिटार अकूस्टिक बजता है और कहाँ आजकल फ़ोन से कनेक्ट हो रहे हैं गिटार, तो ये है स्मार्ट गिटार मेरे ख्याल से, है ना। तो ये है अच्छी चीज़ है, खैर जो भी है, देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करूँ तो अब ये ब्लू लाइट जल रही है यहाँ पे, तो अब देखते हैं क्या होता है। जो रिवर्ब की क्वालिटी है उसको, मतलब कितना रिवर्ब चाहिए आपको, कितना वेट सिग्नल चाहिए, आप उसको ऐप के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो कितना रिवर्ब चाहिए। आप इसका साउंड सुन सकते हो, ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है गिटार, इसके अंदर से ही साउंड आ रहा है अभी। इंटरेस्टिंग, प्रीटी इंप्रेसिव, जो लोग परफॉर्म करते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज है ये। एक बार और प्रेस किया तो क्या हुआ, देखिए
डिले। एक चीज और गाइस, कोई भी एडिटिंग नहीं है, रॉ साउंड आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। देखिए कहीं भी कुछ भी कनेक्ट नहीं है, अभी इसके अंदर से साउंड आ रहा है ये डिले, ठीक है ना, तो कुछ भ्रम नहीं होना चाहिए आपको। देखिए प्रीटी इंप्रेसिव। एक बार और प्रेस करते हैं, चार प्रीसेट है तो तीन हो चुके हैं अभी तक। अब पर्पल लाइट जली है, देखते हैं ये क्या है। ये बेसिकली वावा इफेक्ट है, जो वॉबलिंग होती है, तो ये भी अच्छी चीज है। तो एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि जो लीडिंग है कंपैरेटिवली अकूस्टिक गिटार से ज़्यादा लीडिंग स्मूथ इस पे हो रही है, मतलब काफ़ी पानी जैसे हाथ चल रहा है, प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा। एक्शन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जीरो फ्लैट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देख सकते हो यहाँ पे, उससे क्या हो रहा है एकदम स्टेबल हो जा रहा है एक्शन, तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है। हाइयर फ्लैट्स की अगर बात करें तो काफ़ी स्मूथ बजेगा इस पे। जो लोग लीडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोडिंग के लिए नहीं है, तो मतलब लीडिंग के लिए एक एक्स्ट्रा एज है, आप देख सकते हो यहाँ कट पे भी एक स्कूप दिया हुआ है, तो हाइयर फ्रेट आराम से प्ले कर सकते हो। कुछ बजा के देखते हैं। सो अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की इस गिटार के साथ, तो ये काफ़ी ही यूनिक चीज़ सुनने को मिली है हमें। एक सिल्की टोन में ज़्यादा ये गिटार शिमरी काइंड ऑफ साउंड है, जो अकूस्टिक गिटार का साउंड होता है, ऑब्वियसली बात है जो वुड के टुकड़े में से फ्रिक्वेंसीज निकल के आती है साउंड, वो चीज़ अलग है। अब ये कार्बन फाइबर का है तो लकड़ी का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो एक सिल्की काइंड ऑफ साउंड, स्मूथ सा साउंड है, बेस नहीं है उतना, पर साउंड बड़ा यूनिक सा है। मतलब जिन लोगों के पास अकूस्टिक गिटार पहले है तो वो इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस गिटार को लेने जा रहे हो और आपको ऐसा है कि आपका दिल है कि मैं अकूस्टिक टोन आपको सुननी है, तो वो अकूस्टिक टोन तो नहीं मिलेगी, पर इसकी एक खुद की ही टोन है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। जो लोग परफॉर्म करते हैं, काफ़ी शहरों में जाते हैं, गिग्स परफॉर्म करते हैं, उनके लिए तो ये वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, क्योंकि आपको रिवर्ब वगैरह सब कुछ इनबिल्ट ही मिल जाता है ना, जैसे कि हमने साउंड सुना है अभी। तो वेदर रेजिस्टेंट होने के कारण जिन लोगों को सफ़र करना है, कहीं भी जाना है, जैसे कोई ठंडे क्षेत्र में आप परफॉर्म कर रहे हो, क्षेत्र वाह, कोई ठंडे क्षेत्र में परफॉर्म कर रहे हो और अगले दिन आपका जयपुर में कॉन्सर्ट आ गया, तो उसके लिए बहुत ही सही चीज़ रहेगी, कोई गिटार पे कोई हार्म नहीं होगा। अकूस्टिक गिटार में वुड क्रैक का डर रहता है जब आप ट्रैवल करते हो, तो इसलिए ट्रैवल साइज अकूस्टिक गिटार एनया ने सोच के बनाया। मैं दोबारा बोल दूँ कि इसकी टोन एक अलग चीज़ है, ना ये इलेक्ट्रिक गिटार है ना ये अकूस्टिक गिटार का, प्रॉपर अकूस्टिक गिटार तो नहीं कहूँगा मैं इसको, एक बड़ी अच्छी सी सिल्की काइंड ऑफ टोन है, बेस नहीं आप इसमें से प्रोड्यूस कर सकते उतना, आपने सुन ही लिया जैसा भी साउंड है ना, आजकल जनता खुद ही इतनी सियानी है, हमें तो बस साउंड सैंपल्स ही सुना रहे हैं। पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि आप इस गिटार को जरूर ले सकते हैं। एनए नोवा गो आपको प्लेन वर्जन में मिल जाएगा 15,200 करंट डेट में प्रोक्राफ्ट इंडिया की वेबसाइट पे, और जो ये वाला वर्जन है ट्रांस अकूस्टिक ये मिलेगा 25,500। एंड मेरी जो पर्सनल सजेशन है कि आप प्लेन वाली की जगह अगर इसमें इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा आपको खेलने को मिलेगा, काफ़ी कुछ मज़ा आता है इन इफेक्ट्स वगैरह से,
तो परफॉर्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, रिवर्ब वगैरह खुद ही लगा सकते हो। इस गिटार के साथ आपको एक प्रीमियम पैडेड बैग मिल जाएगा, आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी है, और इसमें जो नेक होल्डर दिया हुआ है बैग में वो भी एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है, तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आराम से ट्रैवल में यूज़ कर सकते हो आप इसको, एक्सटर्नल बैग लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। चलिए जी वीडियो एंड करते हैं, आप बताइए अपने सलाह मशवरे इस कमेंट बॉक्स में, आपको ये साउंड कैसा लगा, एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।